हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम निकल चुके हैं सेकेंड डे पोर्ट ब्लेयर घूमने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं और रूम को लॉक कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी हमारा वेट कर रही है। तो आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। ये हमारा सेकेंड डे है और इसका हाफ पार्ट मैं दिखाऊंगी, हाफ पार्ट दूसरे दिन दिखाऊंगी। तो हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं घूमने। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे रॉस द्वीप, रॉस आइलैंड। तो यहाँ पे ना पहले भी मैं आ चुकी हूँ इस गार्डन में, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पे जब मैं रहती थी ना तो मैं हर एक शाम में आती थी बच्चों के साथ और बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय करते थे, खेलते थे। और ये रहा समंदर। तो यहाँ का मैं गार्डन भी दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। और यहाँ पे ना थोड़ी सी बारिश भी हो गई थी जिस दिन हम लोग घूमने गए थे, लेकिन यहाँ पे बारिश तुरंत छूट भी गई थी, ख़त्म हो गई थी, और फिर धूप भी हो गया था। तो यहाँ पे ना हमारा गाइड है, ये हमें बता रहा है कि कौन कौन सा आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम लोग आज घूमेंगे उस बारे में हमें बता रहा है। ये देखिए बारिश हो गई, पूरी जगह खाली हो गई, फिर बारिश छूटते ही भर जाएगी। यहाँ बहुत जल्दी बारिश हो भी जाती है और छूट भी जाती है। तो देखिए यहाँ पे बारिश ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने बोट की तरफ क्योंकि वो बोट लेके हमें जाएगी रॉस द्वीप। तो चलिए मिलते हैं रॉस आइलैंड में पहुँचने के बाद। मिनट बैठने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं रॉस आइलैंड। तो ये लीजिए हमारी बोट आ चुकी है। तो बस अब हम बोट से उतर के आगे बढ़ेंगे। और ये जापानीज बंकर बनाया हुआ है, वो लोग भी ना इस आइलैंड पे कब्जा जमाना चाहते थे इसलिए जहाँ तहाँ बंकर बना के रखे हुए थे। और यहाँ पे ना बहुत सारे हिरन थे तो इस हिरन के साथ भी हम लोगों ने फोटो लिया। यहाँ पे खड़े रहते थे, इनको खाने पीने के लिए कुछ दे दो और यहीं पे खड़े रहते हैं और इनके साथ सब फोटो ले रहे थे। इसके बाद हम लोग ई रिक्शा पर बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं देखने के लिए। और देखिए आप लोग भी, ये जो है ना ये वाइट कलर का जो दिख रहा है आप लोगों को बिल्डिंग, ये ना बेकरी शॉप है, अंग्रेजों ने बनाया हुआ था। उसके बाद चलिए आप लोग देखिए, इस आइलैंड पर ना कोई रहता नहीं है, यहाँ पर घर नहीं है, बस यहाँ पे सब घूमने आते हैं और शाम तक ये बिल्कुल खाली भी हो जाता है। सुनामी के बाद यहाँ पे जो भी बिल्डिंगें थी पुरानी वाली सब ढह चुकी थी। और ये लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे ब्रीडिंग सोल्जर्स के मैच हो रहे हैं, ऑफिसर्स में। अच्छा, ओके ओके। वो तो वन था ये रोटी है ना, ये देखो पेड़ नाम है। रात में घूमने में मजा बंगला यही बोल रहा था ना, देखो मुझे कैसे जड़े उससे लग रही है। माय गॉड, देखो जड़े कैसे, ये देखो जड़े ये स्टैंड। और ये सी लेवल से 200 फीट आपको यहाँ ड्रॉप करेगा, यहाँ से जाइए नीचे लाइट हाउस पॉइंट है, जाके घूम के आ जाइए। गाड़ी नंबर 11 है, रिटर्न में कभी गाड़ी जा सकते हैं बोल देना 11 नंबर से आया हो, कुछ पैसा तो देखिए।
हम लोग पहुंच चुके हैं मेन पॉइंट पे। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। इतना सुंदर व्यू है ना, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, आप लोग देखिए। और ये थोड़ा नीचे की तरफ है, ये जो सीढ़ी जाएगी नीचे के साइड में जाएगी, सीढ़ी से हम अब उतरने वाले हैं। वो सीढ़ी नीचे की तरफ जाएगी, समंदर की तरफ। और वहाँ पे क्या है, चलिए आगे चल के देखते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे ब्रिज पे। ये लकड़ी का ब्रिज बनाया हुआ है और इतना सुंदर, इतना खूबसूरत व्यू था ना कि मन कर रहा था कि कितना फ़ोटो ले ले, वीडियो बना ले, सबको कैप्चर कर ले अपनी आँखों में, कैमरा में, ताकि ये मोमेंट हमेशा याद रहे। बहुत ही खूबसूरत ये पल था, बहुत खूबसूरत जगह है ये। तो आप लोग ज़रूर पोर्टब्लेयर जाइएगा तो इस जगह को ज़रूर घूमिएगा, बहुत खूबसूरत लगा। और आगे बस देखते हुए और वीडियो बनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मूर्ति बनाई है वो रॉस का है, ये सेलुलर जेल का जेलर था। और बीच में ना समंदर के कुछ दूर पे लंबा सा रास्ता बना के और इसकी एक मूर्ति सी बनाई हुई है, स्टैचू। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे सब लिखा हुआ है भी उनके बारे में। और ये रॉस है, जेलर यहाँ का था पहले। बस यहाँ पे हम लोग नज़ारा देखें और बहुत सारा वीडियो बनाए, फ़ोटो खींचे, और आप लोग भी देखिए और एंजॉय कीजिए इस व्यू को।
हम लोग यहाँ पे घूमने के बाद अब बस आगे बढ़ चुके हैं ई रिक्शा की तरफ। बहुत ही गर्मी थी, बहुत धूप था। ये देखिए कितना सुंदर सा व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सब लोग बस यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि टाइमिंग पूरी हो चुकी थी घूमने का और अच्छे से घूम भी लिए थे। चढ़ने में ना थक गए थे, बहुत लंबी सीढ़ी है। देखिए इतना सुंदर सा व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ चारों तरफ से। बहुत खूबसूरत लग रहा था। बस अब धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आइसक्रीम और पानी भी मिल रहा था तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ गए थे आराम करने के लिए। और यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर सा व्यू था तो बस बैठ के 5-10 मिनट के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं। तब तक हम लोग यहाँ पे नींबू पानी और पानी पी रहे हैं। ये देखिए हिरन घूम रही है। बस ई रिक्शा मिल गई हमें और हम बैठ के आ गए हैं बोट की तरफ। चल दिए बोट पकड़ने के लिए। तो आज ही हम एक दूसरे आइलैंड पे जाएंगे लेकिन उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये हमारा रॉस आइलैंड हमने घूम चुका है, इसके बाद हम जाएंगे नॉर्थ आइलैंड और उसका वीडियो आएगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग फिर अपने बोट का वेट कर रहे थे तो बोट हमारी जट्टी पे आ चुकी थी और हम लोग बोट में बैठ चुके हैं और निकल चुके हैं हम लोग दूसरे आइलैंड के लिए। तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। उसमें आएगा कि हम लोगों ने क्या क्या वाटर एक्टिविटी की है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटी है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।